हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बच्चों के लिए घर में पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए देखिए, हमने 100 ग्राम मैदा लिया है। इसको हम थाली में पलट रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा, तीन चम्मच हम दही लेंगे। दही हमारी नॉर्मल है, खट्टी नहीं है। इसमें अब हम ऐड करेंगे तीन चम्मच घी है, इसको अच्छी तरीके से हम मिला ले रहे हैं पहले। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं, नमक को भी अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदा को तैयार करेंगे पिज़्ज़ा बेस के लिए। ये देखिए हमारा सॉफ्ट मैदा है, इस तरीके से हम तैयार किए हैं। इसको रख दे रहे हैं लगभग एक घंटे के लिए ढक के, एक घंटे के लिए सेट हो जाए। ये देखिए एक घंटा हो गया है, तो इसको हम खोल के देख लेते हैं। ये हमारा मैदा देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसको इस तरीके से और हम मसल ले रहे हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। इस लोई हम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, अंदर फोल्ड करके देखिए नीचे की तरफ। ये लोई हमारी तैयार हो गई है, इसको हम बराबर से बेल ले रहे हैं। अब इसमें हम कांटा चम्मच से इस तरीके से डिजाइन कर दे रहे हैं ताकि ये फूले ना और अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए डिजाइन हो गई है। इधर हम पैन रखे हैं, तो पैन हमारा नॉर्मल गर्म है। इसमें हल्का सा हम रिफाइन लगा दिए हैं, पिज़्ज़ा बेस को हम रख दिए हैं इस तरीके से। इसको हम ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। ये लो गैस पे हमको पकाना है। ये देखिए 5 मिनट हो गया है, तो ये अच्छी तरीके से देखिए पक गया है इधर। अब इसको हम पलट दिए हैं, तो देख लीजिए ये अच्छे तरीके से पका हुआ। इसमें अब हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। हम बराबर से इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस लगा दिए हैं। इसमें हम चीज़ इस तरीके से बारीक फैला दे रहे हैं बराबर से। अब इसमें हम लेंगे वेजिटेबल। हमने लिया है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। आप पनीर या और सब्जियां भी आप ले सकते हैं। इसको इस तरीके से हम बराबर फैला रहे हैं, देखिए। ये देखिए इस तरीके से हम रख दिए हैं। ये हमारा मार्केट जैसे पिज़्ज़ा बन के तैयार हो रहा है। अब इसमें हम चीज़ ऊपर से लगा दे रहे हैं, इस तरीके से कद्दूकस कर दे रहे हैं। हम ऊपर से डाल रहे हैं दरबरी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्का सा ओरिगैनो। अब हम इसको ढक देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए। ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा बन गया है, बन के रेडी हो गया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसको हम निकाल ले रहे हैं। अब इस तरीके से हम चाकू से इसको कट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।